पठानकोट मंडी फोर लेन कार्य से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए एसडीएम ज्वाली अरुण शर्मा ने कोटला के विश्राम गृह में खुला दरबार रखा, जिसमें कई परिवारों ने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई। गौरतलब है कि इस फोर लेन सड़क मार्ग में जौंटा से लेकर भाली तक कई परिवार इस फोर लेन से प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें लेकर उन्होंने एसडीएम के सम्मुख अपनी समस्या रखी। वहीं एसडीएम अरुण शर्मा ने बताया कि लगभग 30 ऐसे परिवार थे जो सीधे फोर लाइन की जद में आ रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज कर ली हैं और वे स्वयं भी इन प्रभावित जगहों पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे और जो भी संभावित बदलाव हो सकते हैं उनको लेकर NHAI को अवगत करवाया जाएगा। जो NH का जो आज फुल इन कुछ कार्य चला है, इसमें आज अफेक्टेड थे जो उनकी सुनवाई थी आज, कितने केस ऐसे हुए हैं जो आपके? टोटल अभी आज जो मैंने हियरिंग रखी थी तो तकरीबन 30 के लगभग जो हमारे ऑब्जेक्शन या रिसीव हुए हैं, और आज हमारे NHA की अथॉरिटीज भी हमारे साथ थी। सारे ऑब्जेक्शन जो है मैंने रेवन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से नोट डाउन कर लिए हैं। थोड़े दिनों में इनका मैं स्पॉट चेक कर लूँगा, उसके बाद फिर जो भी ऑब्जेक्शन टेनेबल होगा जो होगा इनसे बात करके अगर कुछ हो पाएगा तो अथॉरिटी से बात करके जो हम उनको सूचित कर देंगे। और जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि जो भी आपने इसको आपके जो ऑब्जेक्शन है उनको जो डिस्पोज ऑफ करना है वो वेल रीजन्ड ऑर्डर होना चाहिए, तो उनके आदेशों के अनुपालन में मैं मौके पर आके इनको पहले वो चेक करूँगा फिजिकली, उसके बाद जो भी उचित आदेश होगा वो इनको कन्वे कर दिया जाएगा। जो जितने ऑब्जेक्शन है क्या इनकी मलकियत है, जो ऐसे भी लग रहा है कोई इनक्रोचमेंट भी लग रही है? है, इसमें कुछ इनक्रोचमेंट्स भी हैं और मलकियत तो है ही है। खैर तो वो जब कहीं मौके पे जाऊंगा तो थोड़ा वस्तु से चीज़ का पता लगेगा।